कुंवर सचदेव भारत की लीडिंग पावर सॉल्यूशन कंपनी सुकाम सोलर इन्वर्टर के संस्थापक और एमडी हैं, और साथ ही वे एक महान खोजकर्ता, मार्केटर, प्रेरणादायक वक्ता भी हैं। सचदेव के सुकाम के सफलता की कहानी मेक इन इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उदाहरण है। कुंवर सचदेव का जन्म 16 नवंबर 1962 में हुआ। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन सचदेव ने कभी भी अपनी आर्थिक स्थितियों को अपनी सफलता के बीच में नहीं आने दिया। वे 15 वर्ष की आयु में ही एक महान सफल उद्योगक बन गए। अपने बिजनेस की शुरुआत उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर साइकिल पर पेन बेचते हुए की, और बाद में उन्होंने एक सफल केबल टीवी कम्युनिकेशन बिजनेस की स्थापना दिल्ली में की। एक खोजकर्ता के रूप में उन्होंने जल्द ही भारत के पावर बैकअप इंडस्ट्री के विकास और उनकी जरूरतों को भांप लिया था, और 1998 में ही उन्होंने सुकाम पावर सिस्टम की स्थापना करने के लिए केबल टीवी के बिजनेस को बंद करने की ठान ली। कुछ ही सालों में कड़ी मशक्कत और मेहनत करने के बाद उन्होंने आज सुकाम को भारत की मुख्य कंपनियों में से एक बना दिया। आज सुकाम इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है और इसे भारत की सबसे विकसित और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक माना जाता है। यह कंपनी तेजी से विकसित होने वाली टॉप 500 कंपनियों की सूची में भी शामिल है। कुंवर सचदेव ने लगभग 90 देशों तक अपनी कंपनी को पहुंचा दिया है, और इसका लक्ष्य अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर भागों को कवर करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिकल और लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद ही बिना किसी टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल कर ली। अलग अलग बिजनेस को संभालते हुए वे सुकाम के R&D डिवीजन के हेड बने। इंडियन पावर बैकअप इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी और डिजाइन के पेटेंट फाइल करने वाले सचदेव पहले भारतीय उद्योगपति बने। वर्ल्ड के पहले प्लास्टिक बॉडी इन्वर्टर के आविष्कार का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है, और उनके इस आविष्कार को इंडिया टुडे ने इनोवेशन ऑफ द डिकेड का भी नाम दिया है। कुंवर सचदेव ने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज जैसे मोसफेट, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड और DSP साइन वेव का आविष्कार कर पावर बैकअप इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी। उन्होंने भारत को होम UPS भी दिया, जिससे UPS और इन्वर्टर दोनों के गुण थे। सुकाम के आने के पहले इन्वर्टर उद्योग पर 100 से ज्यादा लोगों का शासन था, जो घटिया माल बेच रहे थे, लेकिन कुंवर ने पूरे इन्वर्टर उद्योग को अपने आविष्कार से चुनौती दे डाली। कुंवर अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं हुए, और उनसे हमेशा कुछ नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने की भूख लगी रहती थी। कुंवर को कई बार लगता था कि यदि लोग वर्तमान में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स टच स्क्रीन और वाईफाई से जुड़े हैं, तो होम UPS से क्यों नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने UPS की टेक्नोलॉजी में बदलाव किए, और आज कुंवर अपना पहला टच स्क्रीन UPS लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें वाईफाई की सुविधा भी दी गई है। एक दिन ऐसा भी होगा, शायद यह किसी ने भी नहीं सोचा था। पावर बैकअप इंडस्ट्री के विकास में उनके बहुत से महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्वर्टर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। टेक्नोवेशन के प्रति कुंवर का प्यार हमेशा बढ़ता ही गया था। ग्रीन एनर्जी का निर्माण करने में उन्हें काफी रुचि थी। उनकी इच्छा थी कि भारत में हर जगह पर ग्रीन एनर्जी का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने बहुत से छोटे हाउस रिमोट से लेकर बड़ी इंडस्ट्री के लिए भी सोलर उपकरणों की खोज की है। यूनिक सोलर DC सिस्टम के निर्माण में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कुंवर के कठिन परिश्रम के बाद ही सुकाम सर्वाधिक मार्केट शेयर पाने में सफल रही। फिलहाल सुकाम का लक्ष्य भारत के हर घर को सोलर एनर्जी से जोड़ना है। कुंवर सचदेव का मंत्र यही है, आई इनोवेट देयरफॉर आई एम। कुंवर उन महान उद्योगों में से एक हैं जिन्होंने इंटरनल ब्रांडिंग के महत्व को समझा। कुंवर ने सुकाम कल्चर को इस तरह से सजाया था कि उनका पूरा स्टाफ सभी त्यौहार खुशी से मनाते थे। उनका स्टाफ किसी बड़े परिवार से कम नहीं था। अभिनेता रवि किशन के साथ मिलकर कुंवर सचदेव ने अपना पहला रियलिटी TV शो इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्समैन खेल का बाजीगर भी लॉन्च किया। कुंवर सचदेव का हमेशा से यही मानना था कि यदि आप सपने देख सकते हो तो आप उन्हें पूरा भी कर सकते हो, और उनकी इसी सोच ने सुकाम को भारत की सबसे बड़ी पावर बैकअप सॉल्यूशन कंपनी बनाया। वे अपने इसी भारतीय ब्रांड को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध करना चाहते थे, और ऐसा करने में वे सफल भी हुए। अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर फैलाने के लिए उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की थी। कुंवर सचदेव के मार्गदर्शन में ही सुकाम तकरीबन 90 देशों में स्थापित हो सकी। सुकाम अब इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था, और इसके साथ ही अफ्रीका और नेपाल जैसे देशों में भी सुकाम को कई अवार्ड मिले, और आज अफ्रीका में लोग चीनी और अमेरिकन कंपनियों की तुलना में
इस मेड इन इंडिया ब्रांड पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। उद्योगपति टेक्नोलॉजी इनोवेशन के चलते उन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा दिया गया भारत शिरोमणि और एंसर्ट एंड यंग का साल के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति अवार्ड शामिल है। आज कुंवर सचदेव की जीवनी को देखते हुए हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस आपका टैलेंट ही आपको सफल बनाता है। क्योंकि दोस्तों, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखे हरदम जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। तो इन्हीं आखिरी लाइनों के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर कर दें। आपको यह वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।